नमस्ते बच्चों, पिछली क्लास में हमने कुछ जो न्यूमेरिकल जो किया था, अब उसी के जैसा ही एक न्यूमेरिकल है, बस वहाँ पर लेंस था और यहाँ पर क्या था, दर्पण की बात हम करेंगे। और वहाँ पर हमने अवतल लिया था, अवतल लेंस लिया था, यहाँ पर हम उत्तल दर्पण है ना। तो क्या चेंज होगा, आइए उसको देखते हैं। डायग्राम आप खुद से बना के देखेंगे, इसे मैं नहीं बनवाऊंगी क्योंकि मैंने पिछली बार 2-3 सवालों में बनाए हैं, है ना। तो अब आप खुद बना के देखिए, देखिए आप बना पाते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी के उत्तल दर्पण से, देखिए मैं कौन सा दर्पण ले रही हूँ, उत्तल दर्पण से वो एक बिंब, बिंब मीन्स होता है वस्तु, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, कितनी दूरी पर रखी हुई है, 10 सेंटीमीटर, बिंब यानी वस्तु, यानी आपको क्या दिया हुआ है, दिया है बिंब यानी वस्तु। तो वस्तु तक की दूरी क्या हो रही है, यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, ये चीज तो आपको दे ही दी। उसके बाद में फिर 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी आपको कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको क्या बताना है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर स्थित है, उसकी प्रकृति याद कीजिए। बस पूछा भी इतना ही गया है आपसे कि प्रकृति बताइए, ठीक है। तो आपको अब मैं बताती हूँ, पहले तो प्रतिबिंब के बारे में बताना है, तो प्रतिबिंब तक की दूरी यानी भी आपको ज्ञात करना है। यू आपको कितना दे रखा है, बिंब यानी वस्तु होती है, यू आपको दे रखा है इतना, एफ बनना, ये चीज तो दे रखी है। अब क्वेश्चन आता है कि माइनस आएगा कि प्लस, तो हमेशा याद रखिएगा यू तो हमेशा माइनस में रहता है। ओके, चाहे वो उत्तल हो या अवतल, आप यू को हमेशा माइनस में ही लिखेंगे। अब देखिए ये उत्तल है कि अवतल, अवतल होता ना तो सारी चीजें माइनस में आती। ओके, लेकिन ये क्या है, उत्तल है, और उत्तल होने के कारण बाकी सारी चीजें प्लस में रहेंगी, बाकी को आप नेगेटिव नहीं करें। ओके, अगर ये उत्तल है, उत्तल है इस कारण मैं पॉजिटिव लिख रही हूँ, अगर यहाँ पर अवतल आ जाता तो मैं इसे भी नेगेटिव करती। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक जो चार्ज है यानी माइनस चार्ज होता है वो कब लगेगा, यू में तो आपको परमानेंटली लगाना है, लेकिन यहाँ पर अगर उत्तल आए तो आप किसी में एफ हो या बी हो उसमें आप माइनस नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर अवतल हो तो आप उसमें माइनस लगाएंगे। ओके, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दे रखा है दर्पण, तो आप लेंस का सूत्र नहीं लगाएंगे, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, दर्पण आए तो प्लस लगेगा, लेंस आए तो माइनस लगेगा। ओके, ये फॉर्मूला अगर आपने से कर लिया, बस अब आपको बस इनपुट करना है, f की जगह पे 15 आ जाएगा, v की जगह पे v प्लस 1/u - 10। अब हम क्या करेंगे, भी ये तो ऑलरेडी प्लस में है, इसको अगर मैं उधर ले जाती हूँ तो माइनस का हो जाएगा, तो आप क्या करें, उसे तो वहीं रहने दीजिए, इसको इधर लेके आ जाइए। ओके, तो भी को तो अपन ने वहीं लिखा रह लिया, 1/15 यानी 1/15 तो यहाँ पर है, ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, एक काम कीजिए, पहले आप प्लस माइनस माइनस कर लीजिए। ओके, 1/15 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/10। ओके, आप इस चीज को इधर भी लिख सकते हैं, ये इसको इधर और इसको इधर, 1/v माइनस 1/10 इक्वल टू 1/15। ओके, ये चीज मैंने यहाँ लिख ली, ये चीज मैंने यहाँ लिख ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या करें, इस चीज को है ना इक्वल के इधर ले आए, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो का हो जाएगा प्लस का। ओके, तो 1/v इक्वल टू 1/15, इन दोनों को तो वैसा का वैसे लिख दिया, इसको मैं इधर ले गई इक्वल के, तो माइनस का था तो फायदा हो गया प्लस का 1/10। अब हम क्या करेंगे, वही एलसीएम लेंगे, एलसीएम मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था किस तरह से लेते हैं, 15 और का 10 का लेंगे तो कितना आता है 30, तो चलिए यहाँ 30 लिख देते हैं। 15 के टेबल में 30 कितनी बार आता है, 15 2 जा 30, तो यहाँ 2, 10 3 जा 30। ओके, तो अब क्या हो गया, 3 और 2 को प्लस किया तो 5/30। ओके, अब हम क्या करेंगे, 5 बन गया 5, 5 6 जा 30, टेबल है ना कट कर दिया हमने, तो 1/v इक्वल टू हमारा क्या आया, 1/6। अब v को ऊपर ले जाओगे तो 6v कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो v इक्वल टू हमारा 6 सेंटीमीटर, ये आंसर आया। ओके, v क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन ये लिखेंगे
प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? प्रतिबिंब की दूरी है ना भी इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, यू अपना 10 सेंटीमीटर का है ना। और जो प्रतिबिंब होगा आपका कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। ये अपना प्रतिबिंब वास्तविक है, जैसा आकार उसका वस्तु का था वैसा ही प्रतिबिंब का रहेगा, लेकिन वो कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा, ओके। तो ये चीज़ें इसकी प्रकृति होंगे और ये आपका सॉल्व है, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो मेरिकल हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।